गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ़दर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, आज 13वां रोज़ा है। आप तमाम लोगों को 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बस आजकल जब से पहला अशरा ख़त्म हुआ है, मैं हमेशा ये जिक्र भी करती हूँ अक्सर जब मैं किसी के पास बैठी हूँ कि रमज़ान बहुत जल्दी गुजर रहा है। पहले अशरे के बाद बिल्कुल पता नहीं चल रहा कैसे ये रमज़ान जा रहा है। अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग रहमत है ये रमज़ान हमारे लिए, बाबरकत महीना है। इसमें रहमत है, इसमें माग़फ़िरत है, जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए एक अशरा दे दिया गया है। ये रमज़ान बहुत जल्दी जा रहा है। मैं चाहती थी ये रमज़ान हमेशा रहे। और वो रमज़ान हम हमेशा कैसे रख सकते हैं, जो हम अमल कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो हम हुकुकुल इबाद का ख़ास ख्याल रख रहे हैं, अगर उनको हम 11 महीने कॉन्टिन्यू रखें तो आप एक रमज़ान वाले ही फील आपको आ सकती है। अगर आप ये जो तमाम चीज़ें हैं जो हम इबादत करते हैं या हम छोटी छोटी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं, जो कहने को तो बड़ी छोटी होती है लेकिन जिनका अजर बहुत ज़्यादा होता है, अगर उनको भी हम कंटिन्यू रखें 11 महीने तक, 12 महीने तक, तो आप ये जो रहमतें हैं, ये जो बाबरकत महीना है, आपको फील आता रहेगा कि शायद आप अभी भी इंजॉय कर रहे हैं अपने रमज़ान को। नाज़रीन, जब रमज़ान की बात होती है तो साथ साथ मैं कोरोना वायरस की भी बात करती हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि कोरोना वायरस भी अभी मौजूद है। आप रोज़ाना जब वो उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं या रात को सोने से पहले जब न्यूज़ देखते हैं तो आप एक फैक्ट एंड फिगर आ रहे होते हैं कि कितने कोरोना के केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं। जनाब, कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम कम कर सकते हैं। हम सब मिलके इनफरादी तौर पे हमारी एक एफर्ट होगी किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी जब नरमी होती है तो हम देखते हैं किस तरह से सड़कों पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है, लोग बाहर आना शुरू करते देते, मार्केट्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे घरों में रखिए, अपने बुज़ुर्ग हजरात जो घरों में मौजूद हैं उनको घरों में ही रहने दीजिए, उनको बाहर ना लेके आइए। मस्जिद में जाने की बजाय घरों में तरावियां अदा कर लीजिए जो बड़े लोग हैं, और बच्चे जो हैं उनको ना लेके जाइए बाहर। जो शॉपिंग करनी है उनको थोड़ा कम कर लीजिए। लास्ट टाइम भी एक हमारी बड़ी प्यारी मेहमान थी, उन्होंने कहा था कि घरों में मौजूद होते हैं कुछ कपड़े, अगर आप उनको स्टिच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं ईद पे। अच्छा, कोरोना वायरस के अगर केसेस की मैं बात करूं आज सुबह की, तो 24,497 केसेस हैं आज सुबह के, और जो रिकवर हो चुके हैं उनकी तादाद 6,464 है, और जिनकी डेथ हो चुकी है जो हमें नहीं रहे उनकी तादाद 564 हो चुकी है। तो जनाब, आपने किस तरह से क्या करना है? छोटी सी एहतियाती तदाबीर जो हम आपको बार बार बताते हैं वो ये है कि घरों में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना आइए, और हैंड सैनिटाइज़र आप घरों से बाहर है तो इस्तेमाल कीजिए, अगर घरों में है तो साबुन का इस्तेमाल कीजिए। डिस्टेंस रखिए, अपने प्यारों से डिस्टेंस रखिए लेकिन दिलों को करीब रखिए, क्योंकि दिल करीब होंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, बहन भाई हैं, उनके घर में खाना बना है या नहीं बना, सहरी बनी है या नहीं बनी। जब सहरी और अफ्तारी बनाइए तो उसमें उनका हिस्सा डाल लीजिए कि अल्लाह ताला आपके जो दस्तखान उनको मजीद वसी करते, आमीन। अच्छा जी, आप आज के टॉपिक की अगर बात की जाए, क्योंकि मेरे शो में डिफरेंट बातें हो रही होती हैं, हम डिफरेंट सवाल करते हैं, तो आज हम ज़ुबान पे बात करेंगे। ज़ुबान क्या है और कितनी मुश्किलात में डाल देती है हमारी ज़ुबान। कहा जाता है कि जब तक आप बोलते नहीं हैं तो अल्फाज जो होते हैं ना वो आपके ग़ुलाम होते हैं। जब आप बोल देते हैं कुछ तो फिर आप अपने अल्फाजों के ग़ुलाम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? इस्लाम में ज़ुबान के बारे में क्या कहा गया है? हम तोहमत लगा देते हैं ज़ुबान के थ्रू, हम किसी की बुराई करते हैं, हम किसी पर बहतान लगा देते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेट किए। लेकिन बेशक अगला कितना भी गुनहगार है, लेकिन हम कौन होते हैं उसे जजा या सज़ा सुनाने वाले? हमारा अल्लाह बेहतर जानने वाला हो सकता है, वो उन्हें बख्श दे, और अल्लाह ताला को कोई भी चीज़ पसंद आ सकती है, कोई भी आपका अमल पसंद आ सकता है। इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा गुस्से के बारे में बात करेंगे, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इस्लाम में गुस्से के बारे में क्या कहा गया है, ये चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी सी नातुआएँ जो हमें खूबसूरत सा कलाम भी सुनाएंगी। पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, नादिया खान कादरी हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर है। खुशामदीद नादिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, 13वां रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। और आपने देखा नादिया जी, रात से मौसम बड़ा अच्छा हो गया जी। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जैसे आप कोरोना वायरस की बात करती हैं, ये अवेयरनेस बहुत खूबसूरत आप देती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो इरम, मैं बात कर रही थी कोरोना वायरस का, अल्लाह मतलब जो डॉक्टर्स अपनी रिसर्च बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं पानी का इस्तेमाल, तो मैं देख रही हूँ कि जब से मई, हालांकि मई जो है वो बहुत गर्म होता था, नाकाबले बर्दाश्त की गर्मी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
खास करम है। एक तो माह रमज़ान जो है उसकी बरकत से बड़ी ठंडी ठंडी जो है मैं समझती हूँ वो गुम्बद खजरा से मिली हुई हवा मिली जुली आके हमें टकरा रही है, और दूसरा ये कि बारिश अल्लाह तबारक व तआला वक्फे वक्फे से कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न नज़र आ रही है कि जो वायरस मतलब है तो ये आर्टिफिशियल बीमारी ही ना जो एक फैलाई गई है, जिसको पीछे बहुत सारे एजेंडे भी मौजूद हैं, तो वो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जो है ना उससे बचाना चाह रहा है, तो वो खुद ही हिकमत वाला रब है इज्जत वाला, तो अपने बंदों को खुद ही बचाता जा रहा है। ये उसकी मोहब्बत है कि वो बारिश बरसा देता है जिससे नमी होती है, और नमी में वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा। जिससे दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये हवा में सर्वाइव नहीं करता, ये आपकी बड़ी बचत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, ये बड़ा करम है। क्या बात है, बड़े खूबसूरत अंदाज में नादिया ने जैसे बयान किया है, और इतनी खुशी हो रही थी। आपने रोज़ा रखा होता है, ईशा की नमाज के बाद थोड़ा सा आप घर से बाहर लॉन वगैरह में या गैरेज में जाएं तो आपको एहसास होता है कि कितना खूबसूरत है सब कुछ, इतना अच्छा फील आता है आपको। और यकीनन आप ज़रूर जाइएगा, अपने गैरेज में जाइएगा, छत पे चले जाइएगा अगर घरों से बाहर नहीं जाना तो। जो रमज़ान है ना उसमें एक अपनी ही खुशी है, हवाओं में खुशी है, आप किसी को देखते हैं, किसी का चेहरा देखते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है, ऐसे ही है ना दीदी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी छोटी सी मेहमान मौजूद हैं, समिया जी हैं। समिया कैसी हो आप? ठीक। रोजे कैसे जा रहे हैं समिया के? बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं समिया, बड़ी प्यारी लग रही है। यकीन हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी खूबसूरत सी आवाज में आज हमें कलाम भी सुनाएंगे। तो वापस आती हूँ जी नादिया की तरफ। नादिया, जुबान की बात की गई है, ज्यादातर कहा जाता है वैसे तो खवातीन अगर मिल बैठे तो बहुत से चुगलियाँ हो जाती हैं। चुगली बेसिकली होती क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे, और जुबान के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया इस बारे में भी बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ज़रूरत है आज के दौर में। जिस तरह हम लोग जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग हमारी बढ़ी हुई है, और हम बिना सोचे समझे किसी के किरदार पे बात कर देते हैं, गुफ्तार पे बिना तस्दीक के हम बात को आगे फैलाने में एक नंबर के माहिर बन चुके हैं। और जैसे कि जो बोलना है जुबान है, इसकी हिफाजत बेसिकली आपके अपने ईमान की हिफाजत है। अगर आप जुबान की हिफाजत नहीं कर पाते, जुबान वो चीज़ है, गुफ्तार वो चीज़ है, अगर आप गुफ्तगू को जो है ना वो फ्लो ऑन बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो ये एक समंदर की तरह रवा दवा हो जाती है, जिसको रोकना फिर नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर आप खामोशी के साथ बड़ी तवज्जो के साथ अपनी गुफ्तगू और नाप तोल के करते हैं, तो इससे बड़ा सोने का पहाड़ कोई नहीं है। क्या इसकी मिसल ऐसे है, अब जो रवा दवा हो गया उस पर, अब आप समंदर की मैंने मिसाल दी है, जब समंदर रवा दवा हो जाता है ना इरम, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आप अपने कोशिश ये करें कि आप उसको सोना अब कैसे बनाना है, आप अपनी खुद ही तरबियत आपको करनी पड़ेगी। जुबान के मुतालिक हजूर अलैहिस्सलाम ने जगह जगह हमें जो उनके इरशादात हैं वो आपने फरमाए। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सकफ़ी रज़ी अल्लाहु ताला ने अकलिसातु इस्लाम से पूछा, आका आपको हमसे किस चीज़ का डर है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी कह सकते थे कि नमाज छोड़ने का डर है, डेफिनेटली हम गफलत तो बरतते हैं नमाज पढ़ने में भी, हम और भी मामलात में रिस्क थोड़ा कम कमाने मेहनत ना करते उस पर भी कहा जा सकता था। इसके अलावा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह सकते थे कि तुम किसी का हक नहीं, नहीं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस को यूँ पकड़ के इशारा किया, काल हाजा, कि ये इसका डर है मुझे, जुबान मुबारक हो। यानी ये जो जुबान है यही तमाम जितने भी मामला आपके खराब होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, इनकी जड़ जो बेसिकली ये आपकी जुबान है, आपका बोलना। और कम गोई जो है ना, खामोशी, वो बड़ी बरकत वाली चीज है। आप कम बोलें, नाप तोल के बोलें। बाज जो सूफिया हैं, खामोशी, वो कहते हैं जो खामोशी होती है ना जुबान की, वो बेसिकली वो कहते हैं ये बातनी तवज्जो का नाम है। क्या? यानी आप जब खामोश रहते हैं तो अपने अंदर झांकते हैं, खुद को अपने वो अल्लाह के हजूर पेश कर देते हैं, यानी उतार देते हैं आप तराजू में कि आप हक कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। और जब आप बोलें तो यूं बोलें कि आपका हर हर लफ्ज जो है वो अगले के लिए बायसे तकलीफ नहीं बल्कि बायसे रहमत बन जाए। हम और इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस इंसान से अपना फैसला करवाओ जिसको अपनी जुबान पर काबू हो, जिसको अपनी अकल पर काबू हो, जिसको अपने हिल्म पर काबू हो, जिसको अपने इल्म पर काबू हो, यानी वो इल्म ये रखता हो कि इस जुबान का, इन अल्फाज का कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर हम ये करें कि मतलब पार्टीज दो बैठी हुई हैं, उनका फैसला ऐसे बंदे के पास करने बैठ जाए जिसको अपनी जुबान पे काबू ही नहीं है,
जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी जुबान पे, तो वो फिर क्या करेगा कि वो जो आप एक बंदा सुनाएगा। और एक बात और मैं यहाँ इरम करना, ये बात जो मैंने कही ना, एक बंदा कभी भी जब आप किसी की बातें सुने तो फैसला अपनी जुबान से वन साइडेड नहीं करना। हमारी तबीयतों में एक चीज है कि हम जब किसी एक की बात सुनते हैं ना तो फौरन हाइपर होकर अपनी जुबान से उसको बुरा भला कह देते हैं। होता क्या है, नतीजा क्या होता है इसका, कि जो सुनने वाला होता है, जो फैसला करवाने वाला होता है, वो समझता है कि फैसला मेरे हक में हो गया, बेशक वो गलत ही हो। और जब भी आप बैठे या किसी से बात करें अपनी जुबान से, तो हमेशा मोहब्बत को फैलाना सीखें। जो भी बात आपके नामा इमाल में, यानी जब हशर का रोज होगा तो आपकी सब जाहिर जुबान है ना, जुबान में अखलाकियात भी आती हैं, जुबान में लघवियात भी आ जाती हैं, गीबत भी आ जाती है, चुगली भी आ जाती है, किसी का दिल दुखाना भी आ जाता है, किसी का दिल रखना भी आ जाता है, इलम भी आ जाता है, सब्र भी आ जाता है इसमें। यानी ये सारी चीजें एक जड़ होती है ना, वो उससे जो आगे पनपती हैं चीजें, उन तमाम चीजों की जो जड़ है वो जुबान है। अगर हम जुबान का ख्याल रख लें, जुबान को अपने कंट्रोल में कर लें, तो मेरा ख्याल है हम बेशुमार नेक अमाल कर सकते हैं, बेशक और बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं, बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। नादिया जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, काबू होना चाहिए। आज के दौर पे हमारी जुबान में क्या कंट्रोल है। हम सोशल मीडिया की बात से अगर आपने आगाज किया, तो आप देखते हैं कि हम किसी की कोई भी चीज देखते हैं, किसी की कोई वीडियो हो, पिक्चर हो, फौरन हम जज बन के बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पे, और फौरन से बातें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हम जाहिरी तस्वीर पे बड़ा गौर करते हैं, बरक्स क्या है उस पर तो हमने फोकस ही नहीं करना ना। हमने डायरेक्टली एक चीज देखी है, उसी पे टॉक कर देनी है, उसी पे बात कर देनी है, वो नहीं देखना कि अगले बंदे ने किस अपने नजरिए के तहत या किस सोच के तहत इसको पोस्ट किया है। दूसरा सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया का एक प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे बात को फैला देना, वायरल कर देना, किसी की जात पर बात कर देना, किसी के किरदार पर बात कर देना, बिना तस्दीक के हम वो जजमेंट करने बैठ जाते हैं, नहीं जी ये बात ऐसे हुई है। फिर एक चीज फैलती है और फिर उसको लाखों करोड़ों की तादाद में बोल एक बंदा झूठ रहा होता है जुबान से। वो जाहिर है पोस्ट करना वो भी जुबान है आपकी ना, आपकी सोच है उसमें, आपकी जुबान है, लेकिन उसका क्या है कि आप बाज़ वीडियो के जरिए जो है वो आगे शेयर कर देते हैं, बाज़ वो पोस्ट करके लिख के उसको जो है ना वो शेयर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया में सबसे बेसिक बात है, आप देखें मैंने बड़े बड़े महज़ब जो लोग हैं उनको देखा, गाली से नीचे उतरते ही नहीं, उतरते ही नहीं। आप किसी को अगर तंज का निशाना बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये चीज़ नेगेटिविटी में आ रही है या इस्लाम से तसादम कर रही है, तो उसका बेहतरीन हल जो है वो इख़लाक़ हसना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कफार को कितना, एक्चुअली मेरा गला जो बार बार रुक रहा है, थोड़ा गले का प्रॉब्लम है इस वजह से, अंदाज़ा है जी। तो आप देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कफार क्या नहीं किया, इरम कफार ने आपके साथ, आपके रास्ते में पत्थर जो है वो, आपके कदमैन मुबारक लहूलुहान किए गए, आपको माजल्ला कहा कि ये मजनू है, दीवाना है, माजल्ला सुम्मा माजल्ला मिन ज़ालिक। इसके अलावा आपकी राहों में पत्थर फेंके गए, कांटे बिछाए गए, खंदके आपने खोद दी, पेड़ पे पत्थर बांधे, लेकिन पलट के किसी काफिर को गाली नहीं दी, कभी किसी काफिर को बुरा नहीं कहा, उसके लिए बददुआ नहीं की, बल्कि यही कहा। अच्छा एक चीज बड़ी खूबसूरत पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ, यही कहा कि अल्लाह पाक इनको हदायत अता फरमा। तो हुआ क्यों, हुआ ये हुआ कि आखिरी जो दौर था हुजूर अलैहिस्सलाम का, बहुत से जो कफार थे वो सहाबी बन गए। क्या अगर हुजूर अलैहिस्सलाम, और वो जो सहाबी हैं वो अपनी जुबान से कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान अकदस से अगर ये बुराई हमारे लिए कोई निकल जाती, माजल्ला जो कभी नहीं निकली, अगर कोई बुरी बात निकल सकती, तो हो सकता है हम जो सहाबियत के रुतबे पे फायज होते हैं उसे महरूम हो जाते। तो पता चला कि ये जो जुबान है यही हमें हमारी मंजिल की तरफ लेके जाती है। हम इस जुबान का बहुत मुस्तबत इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, आप अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें हक कहना सीखें। हक जो है वो हमेशा के साथ रहता है। एक बात और इरम, झूठ बोलना बहुत आसान है। आप एक झूठ बोलते हैं ना, आसानी से आपने यूं बोल दिया, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए बुराइयां हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आपको सारी जिंदगी फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उन लम्हों में सच बोलना, जुबान से सच्चाई कहना, क्योंकि जुबान इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हर चीज तो जुबान से निकल रही है ना, किसी को गाली जुबान से निकल रही है, सच जुबान से निकल रहा है, झूठ जुबान से निकल रहा है, बहुत सारे और मामला जुबान से ही हल हो रहे हैं। और हमारे ये हो जाता है कि जब आप सच बोलते हैं ना उस वक्त मुश्किल है,
यकीनन यहाँ आप जब किसी को बता रहे होते हैं, किसी के तराजू में, इंसाफ के तराजू में उतर रहे होते हैं, वो आपको जज कर रहा होता है कि इस वक्त आप क्या कहेंगे, तो जब आप सच बोल रहे हैं उस वक्त बहुत मुश्किल है, वो लम्हे बहुत मुश्किल होंगे लेकिन इसके बाद सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ वक्त होता है जब आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा या बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी है, कहीं ना कहीं सुकून आ जाता है आपके दिल में कि चलो मैंने तो सच बोला ना, अब जो भी होगा अल्लाह की अदालत में है। तो जी हमारी सब प्यारी सी समिया मौजूद है, तो नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पेश करेंगी समिया। وسلم عليك يا حبيب الله رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم سدا مانگ ارے ماں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا سدا مانگ ارے ماں مدینے کی دعا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے ماں بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدھا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے کس لیے خاموش کھڑا مانگ رے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے ماں جو سرکار
रहमत का है दरवाजा खुला, मांग रे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग रे मांग। बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम को पढ़ा है। वापस आएंगे जी नादिया जी की तरफ। नादिया जी, हम बात कर रहे थे जुबान पे, तो तोहमत लगाना भी जुबान से शुरू होता है। वो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि हर बुराई की जो जड़ है वो जुबान से शुरू हो जाती है, चाहे वो गुस्सा है, तोहमत है। तो तोहमत के बारे में क्या कहा गया है? हम तो बड़े आराम से दूसरे पे के करेक्टर पे भी बात कर जाते हैं और फिर एंड पे कह देते हैं कि सानू की लगे, बात भी हम कर जाते हैं, ये हमारे रूटीन की चीजें हैं। बिल्कुल इरम, ऐसा है कि तोहमत जो लगाना वो बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसकी सज़ा जो है वो 80 कोड़े। 80 कोड़े, हाँ। और अगर हम किसी पे बिना तस्दीक के बोहतानबाजी करते हैं तो उसकी तस्दीक कैसे करनी है कि हम दो जो गवाह हैं वो ला सकते हैं, या फिर क्या ये कर सकते हैं कि ख़वातीन तो दो जो है ना वो दो एक के बराबर हो जाती है, बिल्कुल। वो चार ख़वातीन होंगी तो फिर दो गवाह लाएं तो फिर जो है और वो तस्दीक करें तो फिर वो बहतान जो है वो लगता है किसी पे, या वो उस पे आप जो है ना वो मुकम्मल बात दूसरों तक जो पहुंचाई वो मुकम्मल तब आप होती है। लेकिन अगर आप किसी के आंखों से खुद को देखा, आप देखिए आप किसी को यूं चलते देखते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी उस वक्त में उसका कोई और अमल हो, कोई और अमल कर रहा हो, जैसे वो कोई चीज़ कहीं से उठा रहा हो और वो पलट के, ऐसा होता भी है कि वो पलट के यूं हो रहा होता है और हमारी जो सोच और थॉट्स होती हैं वही होती हैं कि इसने तो वो अमल किया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारी अपनी एक सोच होती है। बोहतान के बारे में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का ही एक वाक़िया जो है वो मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ। वो ऐसा कि एक औरत थी, तो उसने जो है ना वो एक औरत गुजर रही थी जी, और किसी के घर के सामने से गुजरी तो उस वो मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराना यकीनन किसी और अपने दिल में भी इंसान जो है वो मुस्कुरा के गुजरते, बाज़ुकात सर नीचे किया हो तो अब कोई बात याद आ जाए ड्यूरिंग, बाज़ुकात नमाज में हम लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो कोई सोच आ जाती है, थॉट आ जाती है, किसी की बात कुछ ऐसी दिल को बाती है कि इंसान जो है वो नमाज में भी मुस्कुरा, लेकिन नमाज का एहतराम करते हुए कोशिश करे कि अपनी थॉट्स को जो है ना वो कंट्रोल करे। लेकिन ये एक इंसानी जो तकाजा है वो मैंने बयान किया है। तो मुस्कुरा रही थी और वो मुस्कुरा के किसी के घर के सामने से गुजरी, दूसरी औरत उसको देख रही थी, उसने उस पर बोहतान लगा दिया कि इसका माज़अल्लाह बद किरदार है या इसके साथ कोई रिलेशन है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आज के दौर में। हम इरम कोई आपके साथ बैठा है गुफ्तगू कर रहा है, ये एक अलमिया है, जो भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके जरिए मैं ये मैसेज आपके जरिए इस टीवी चैनल के जरिए पहुँचाना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैं आती हूँ रोज़ाना की बेस पे आपकी अखलाकियात पे जो है वो फोकस करवाया जा रहा है। काइंडली किसी का जाहिर देख के जजमेंट ना करें, और मैं ये हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे तो वैसे जजमेंट्स बहुत हैं, बहुत जजमेंट्स हैं, और स्पेशली खवातीन इनमें एक नंबर की जो ना माहिरा, इल्ला माशाल्लाह सारी नहीं, बहुत सी ऐसी हैं जो वलिया हजरत राबिया बसरी जैसी खवातीन भी मौजूद हैं। तो जो हमारी आज की सोसाइटी बन गई, वो हमने दो बंदों ने खड़े होना है ना, तो वो हमारा टॉपिक अपनी नहीं होगा बात, वो किसी की बात होगी, हमारा आज का दौर ये भी है। तो वो जो औरत थी वो गुजर रही थी, उसने उसको मुस्कुराते देखा, तो जिसके सामने से गुजर रही थी सामने कोई मर्द होगा, तो उसने ये कह दिया कि ये इसके रिलेशन में है, ठीक है। अब वो हुआ क्या कि कुछ अरसा बाद वही औरत जिस पर इल्ज़ाम तराशी की गई थी उसकी डेथ हो गई, वो इंतकाल कर गई। जाहिर है मरना भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत। अब जो है ना वो औरत जो थी वो थी गुसल देने वाली, मैयत को जो है ना वो गुसल दिया करती थी वो औरत, तमाम वो एक इलाका था, एक गाँव था वहाँ की, उसको बुलाया गया, वो गुसल दे रही थी उसी औरत को जिसके बारे में उसने बोहतान लगाया, ठीक है, गुसल दे रही थी। तो गुसल देते देते अचानक उसका हाथ जब उसकी गर्दन के करीब गया तो चिपक गया, ओहो, वो गुसल देने वाली औरत जिसने बोहतान लगाया था वो चिपक गया, और वो हाथ जो है ना वो अब जो है ना वो पीछे नहीं हट रहा था, परेशानी हो गई, जोर से खींचते थे तो उसकी ना आ रही थी, उसकी मुर्दा की समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ था। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियां हैं हम जैसे गुमराहों के लिए। तो आपने वो औरत ने वो हाथ रखा हुआ था वो छूट नहीं रहा था, जोर लगाया, खींचा, वहां के जो आम मौलवी हजरात थे या उलमा इकराम थे उनसे मुलाकात की गई, उनको बुलाया गया, मौका दिखाया गया, किसी ने कहा कि इसका हाथ जो है ना वो काट दो, वो कहने लगी मैं अपना हाथ नहीं काटूंगी, ये हुआ क्या है, मामला समझ में नहीं आ रहा था।
अब हजरत इमाम अबू हनीफा जैसी हस्ती जो है वो आपको पता है बड़ी आला हस्ती है, क्या आप जो है हर एक मामले को आपने बड़ी निगाह से जो है ना वो निमटाना होता था और समेटना होता था, आहिस्ता आहिस्ता गाँव के दूसरे उलमा इकराम तक बात पहुंची, वो भी पहुंचे, ये नहीं इस तरह किसी ने कहा कि वो जो मैयत है उसका गोश्त उतार दिया जाए तो वो जो फौजशुदगान के घर वाले थे वो कहने लगे हम उसकी तस्दीक नहीं होने देंगे, यानी इस तरह का सिलसिला काफी सुबह से लेकर शाम होने को आगे बात पहुंचते पहुंचते किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं वो बड़े इमाम हैं उनसे उनके पास चलते हैं। बिल्कुल आप आए, आपने आकर फौरन सबको अलग कर दिया, सबको अलहदा कर दिया, चले जाओ। और आप देखें यहाँ पे भी एक बात है कि सबको अलग कर दिया, वो चाहते तो सबके सामने जलील और रुस्वा भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि आप चाहते थे कि जो पर्दे की बात है, आप ज़ाहिर कशफ की निगाह रखते थे, आप भी आपको समझ थी, आप औलिया अल्लाह भी हैं, इमाम भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत भी बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत जो है वो नवाजा भी था, वो जो हाथ जो है ना वो रखा तो वो मामला सारा मामला फहम थे, आप समझ गए। आपने उस औरत को कहा कि तूने इसके इनके बारे में क्या बात की है, फौरन उसने कहा कि इस औरत के बारे में तूने क्या बात की थी, कहती सारा गुसल मैं दे रही थी, तो वो ये बात समझी, उसने कहा गुसल दे रही थी अचानक हाथ, कहते इस वक्त की बात नहीं कर, याद कर किसी लम्हे में तूने इनके बारे में, ये जो इस दुनिया से जा चुकी है कभी कोई बात तो नहीं की। उन्होंने उस औरत ने कहा कि हाँ की थी एक बात, तस्दीक की थी, नहीं बिना तस्दीक की ये बात कर दी थी, क्या बात थी। उन्होंने कहा कि ये किसी के घर के सामने से गुजर रही थी और वो आदमी सामने था और वो गुजर रहा था तो मैंने कह दिया था कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा बोहतान है, कोई छोटा नहीं। तो उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जिंदगी आराम से गुजारती रही। बताना ये भी मकसूद है यहाँ पे इस जो वाकया का जिक्र है कि देखे आपको कहीं भी सजा मिल सकती है, कहीं भी ये, और आप कहीं भी जलील और रुस्वा हो सकते हैं। आप समझते हैं हम बात कर ली है हमने, हमारे पास तो हमारी तो कोई पकड़ी नहीं हुई और कयामत तो बाद की बात है, बाद में देखी जाएगी, अभी कौन सा जाना है। बाज लोग कहते हैं कब्र में जाना है, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आसानी, ना ना अल्लाह तबारक व तआला आसानी तभी पैदा करेगा ना जब आप अगले के लिए आसानी पैदा करेंगे, अगले के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके दिल में राय अच्छी रखेंगे। वो इसी तरह वो जो फिर वो हाथ था ना बाबा इमाम अबू हनीफा, पर्दा भी रखा उस औरत का भी जिस पर बोहतान लगाया जो फौत हो चुकी थी उसका भी, और जिसने लगाया उसका भी। आपने कहा भी इसको ना कोड़े लगाए जाएं, कोड़े का हुक्म दिया, आपको 20 कोड़े लगाए हाथ नहीं हिला, 40 लगाए हाथ नहीं हिला, 60 लगाए हाथ नहीं हिला, जब 71वां कोड़ा जो है वो लगा उसके पुष्ट पर औरत के तो थोड़ा सा हाथ हिला, थोड़ा सा हिला, जब 80 जो कोड़े मुकम्मल हुए तो उसका हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया। अब ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, हम बोहतान को समझते हैं मामूली चीज है, बात कर दी बस आई गई होगी। तो फैसला करने वाले इमाम अबू हनीफा थे, वो कशफ की निगाह रखते थे, उनको सारा इल्म था, उन्होंने पर्दा भी रखा, लेकिन हम पर्दा खाक उसने 10 बंदों में ये बात कर दी उस औरत ने कि उसका तो फलां के साथ बिना तस्दीक के वो ये है रिलेशन है, फलां है, ये है वो है, बिल्कुल। उसके बाद फिर 80 कोड़े इसकी सजा है, ये याद रखिएगा। अगर आज हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो इसमें हमें 80 कोड़े हम बेश मार लोगों पे बोहतान लगाते हैं लेकिन हम हमें सजा नहीं मिलती क्योंकि हम घरों में बैठ के एक दूसरे पर बोहतान लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, मैं समझती हूँ ये गुनाह है कबीरा की कैटेगरी में आता है कि आप कोई बंदा गुजर रहा और उसके बारे में बदगुमानी पैदा करके तो गलत बात को आगे फैला दें और उसका सजा ये देख लें कि वो आपकी पकड़ उस औरत ने वो उसको नहीं उसके इल्म में नहीं था, उस औरत के इल्म में नहीं था कि इस औरत ने मेरे बारे में बात की है लेकिन वो रब्बुल आलमीन को इल्म था। उसने कहा कि तूने अब लगा भी हाथ कहाँ गर्दन पे कि उसकी गर्दन पे तूने बात की थी ना, जाहिर है गर्दन ही थी ना ये कि उसकी झुकाने की कोशिश की थी कि इस औरत की झुकाई भी तुमने बिना तस्दीक के, तो जब गर्दन पे पूरा जिस्म तो उसने नहला दिया लेकिन जब गर्दन पे हाथ मारा वहीं पर हाथ चिपक गया। इससे पता चलता है कि आप किसी की गर्दन झुकाने की अगर कोशिश करते हैं, किसी के बारे में गलत बदगुमानी पैदा करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में कमी करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वहां पर पकड़ा दे। चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये मामला अगर किसी, मैं समझती हूँ हमारे जैसे मौलवी के वाले होता ना, हमने 10 बंदों में कहना था बीबी तूने ये गुनाह किया है, हमने ये कह देना था, बताना था उसको सजा भी मिली है और ये, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने अंदर ही सारा ये मामला तय करके, तो वो जाहिर है वो सजा जो भुगत जाता है इंसान वो फिर माफी जो है ना उसकी हो जाती है अल्लाह की बारगाह में क्योंकि वो सजा भुगत के जो है ना आगे इस मामले को बढ़ा होता है, फिर उसको दफना दिया। लेकिन ये बताना ये मकसूद है इस वाकया का कि आज अगर ये सजाएं नहीं मिल रही तो याद रखिएगा कि ये सजा है, लेकिन आज नहीं तो वो हशर का रोज
आज बिजली थोड़ी सी कड़कती है, डर जाते हैं, और फिर हम बार बार कहते हैं कयामत आने वाली है, कयामत, तो वो अलकारिया, तो मलकारिया, यानी वो खड़खड़ाने वाली आवाज के साथ आएगी वो कयामत। उस कयामत में जब लोगों के सामने हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बताएगा तुमने फला बात की थी और जलील और रुसवा करेगा, तब हमारे पास क्या होगा। आज हमने अभी अपना आप संवारना है, बोहतानबाजी से बाज रहना है। जो बोहतान लगाते हैं उनके लिए बड़ी सख्त वईद है जो मैंने आपको सुना दी। अगर कोई बचना चाहे तो आज से मेरे इस टॉपिक को सुनते हुए कोशिश करें कि किसी के बारे में बदगुमानी, बिल्कुल ऐसा ही। और नादिया जी, और हम लोग बोहतान लगाने के बाद फौरन भूल भी जाते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं था, मुझे लगा था, आपके लगने से क्या हो जाते हैं, मुझे लगा था, अच्छा ऐसा नहीं, चले कोई बात नहीं। नादिया जी, जैसे आपने एक खूबसूरत वाकया ये किस्सा बता के हमें बताया कि इसकी सजा क्या है, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब अल्लाह के किसी बंदे को रुसवा किया जाएगा इस दुनिया में। नादिया जी, कुछ बोहतान होते हैं जो हम लोग, जैसे आपने जिक्र किया कि देखा और बोहतान लगा दिया, सजा मिल गई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, किसी से कोई गुना सरजद हो जाता है, हम उसके, जब हमें पता चल जाता है कि इसके करैक्टर में कोई ऐब है या कोई भी ऐसी चीज, हम फिर भी तो उन चीजों को फैलाना शुरू कर देते हैं, बेपर्दगी करते हैं, किसी का पर्दा नहीं रखते, उसके बारे में क्या कहा गया? क्योंकि अगर कोई गुनाह कर रहा है उसका और उसके अल्लाह का मामला है ना, हम कौन होते हैं किसी को सजा या जजा देने वाले? बिल्कुल, मैं ना यहाँ इजहार और इख्फा दो चीजें हैं जी। हम अल्लाह तबारक व तआला ने कितने हमारे गुनाह हमारे नफ्स के अंदर शैतान के साथ, हम आपस में हमारी जो ज़हनी हालत है जी, मादियत परस्ती, पैसा कमाने के लिए नजायज जरा हम सोचते हैं कि ये कर लें तो ऐसे ही हो जाएगा, शॉर्टकट क्या है, हाँ शॉर्टकट क्या है, वो भी कोशिश करते हैं ढूंढने की किसी को, इवन देन कि अब तो कत्ले आम बात है, वो भी करते हैं किसी के बारे में, किसी को जान से मार। क्या हमारे अंदर की जो बातें हैं उसका इजहार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके सामने खोल रखा है? खोला है ना। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हर चीज को पर्दे में रखना पसंद फरमाता है, तो हमें भी वो चीज इख्फा रखनी चाहिए। जो किसी की आप बुराई देखते हैं ना, और उस बुराई को, जैसे ये इसी से चली जाती है कि वो चुगलखोरी हो जाती है। आप पूछ रहे थे ना कि चुगलखोरी क्या है, ये भी पूछते हैं। चुगलखोरी ये है कि आप मुझसे बात सुनते हैं किसी की, सपोज यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि इनका ये मामला हुआ था या ये प्रॉब्लम हुई थी। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने तस्दीक नहीं की मुझसे, मैंने भी सुनाई आपने भी आगे की और उसका फैलाव कर दिया। तो जब आप किसी की बात को आगे दो चार बंदों में फैलाते हैं तो उसको चुगलखोरी कहते हैं। और ये बात जो है कि राज रखना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबसे बड़े जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, एक नमूना के तौर पे पेश आए। आपको किसी की बात भी ना गवार गुजरती ना महफिल में बैठे हुए, तो आप कभी भी ये नाम लेके नहीं कहते थे फलां तो बिन फलां तेरी ये बात जो है वो मुझे ना गवार गुजरी, बल्कि आप कहा करते थे बाज लोगों का जो अमल है कि वो ऐसा है कि वो इस तरह करते हैं तो वो गलत अमल है। यानी महफिल बड़ी होती थी मजलिस, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तशरीफ फरमा होते थे, निचिस पर बैठे होते थे, चाहते तो नाम लेकर कह देते तो किसने पकड़ो करनी थी, क्योंकि आप ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया इकराम के जो हैं वो सरदार हैं, और आप अगर कह भी देते तो यकीनन वहां पे सबने आमीन कहना था कि हाँ जी इसने गलत की है। लेकिन आपकी जाते अकदस को ये गवारा नहीं थी कि किसी का राज फाश हो, किसी की बुराई किसी के सामने जो है वो करते, बल्कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, यानी इस चीज से हमें ये देखिए, आप बैठे हुए बात करते हुए किसी एक में खामी है और वहां के लाखों में मजमा बैठा हुआ है सहाबी इकराम को, आपको ना गवार गुजरी, तो आप क्या कहते थे कि फलां बिन फलां, ऐसे बाज लोग ऐसे होते हैं, फलां बिन फलां का तो नाम ही नहीं इस्तेमाल करते ना, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके ये इस तरह के मामला होते हैं जो अच्छे नहीं होते। यानी ये खूबसूरत है, राज मैसेज भी कन्वे हो गया, कन्वे हो गया, इजहार नहीं किया, इख्फा में रह के छुपा के, यानी इख्फा कहते हैं छुपाना, छुपा कर उस बात को, उसको मैसेज पहुंच गया कि इस पे अमल नहीं करना, ये गलत चीज है, और दूसरों को भी सबक मिल गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज नागवार गुजरी है, और उसका राज भी रह गया, उसको पता चल गया। जाहिर है जो गलत कर रहा होता है, अब मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ, आपको मेरा हाथ हिलाना नागवार गुजर रहा है, तो आप तरीके से बात जब करेंगे सबके बीच में तो मुझे आ जाएगी कि मैं ही ऐसे कर रही हूं। तो वो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अमल करते थे, तो उनसे सीखना है हमें। क्या बात, मैं समझती हूँ उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अगर हम अमल कर लेना, बेशुमार बुराइयां जिनमें राज गीबत चुगली सब खत्म हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसका नहीं जानते थे, जाहिर भी जानते थे, बातिन भी जानते थे। आपको दीवार के पीछे क्या हो रहा है इस चीज का भी इल्म है, आने वाली क्यामत में क्या होगा उसका भी इल्म है, कौन जन्नत में जाएगा उनकी भी बिशारत आपने दी, कौन दोजख का हकदार है उसकी भी बिशारत दी, कौन किसकी बख्शिश का जरिया बनाएगा वो भी बताया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। लेकिन
लेकिन कभी किसी का राज फाश नहीं किया, कभी किसी, हमेशा हर एक का पर्दा रखा, कभी लोगों को महफिल में जलील और रुसवा नहीं किया। और हम आज क्या करते हैं, बात सुनते हैं फौरन से पहले हमारे अंदर एक खुजली सी होती है, फोन पकड़ते हैं। आजकल सोशल नेटवर्क वर्किंग है, व्हाट्सएप है आपके पास, और मोर देन जितने भी आप एप्स यूज करती हैं, फौरन कॉल मिलाते हैं, फ्री कॉल है आजकल, आप इंटरनेट लगा हुआ है तो फ्री कॉल है, फौरन अगले को बताना है फलां ने तो ये बात हुआ उसका, तुम्हें तुमने सुना है इस बात को। तो ये जो सुना है भाई, छोड़े सुना को, वो जितना वक्त आपने किसी पे लगाया है ना, उस किसी का राज आगे पहुंचाने में, उससे बेहतर है कि आप अपने राज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के आगे बयान करें कि मौला मुझे ये मुश्किल आता है। फिर हम एक शिकवा भी करते हैं ना इरम अल्लाह से, पता नहीं हमारी कमाई में बरकत कहां है, बरकत कैसे आए भाई, हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात, उसके रसूल का दिया हुआ दर्स वो छोड़ के तो हम कहें जी अल्लाह तबारक व तआला हम पर अनायात और बरकतें कैसे करें। तो ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप किसी का राज, राज ऐसी चीज है जो किसी को देता है, ये एक चीज बड़ी अमानत के तौर पे भी आती है, इसमें दो चीजें आती है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक चुगलखोरी उसका गुनाह, एक ये अमानत है आपके पास, आपके पास आपको मैं अपनी दिल की बात सुनाती हूँ, राज सुनाती हूँ, आपसे अहद भी लेती हूँ, तीन चीजें, अब तीन गुनाह इकट्ठे, ठीक है, एक आपने गिबत चुगली की, मेरी बात आगे पहुंचा दी, दूसरा आपने क्या किया, मेरा राज ना छुपाया, तीसरा आपने मुझसे वादा तोड़ा। और हम क्या करती है खवातीन खड़ी हो, अच्छा आगे ना बताना, मतलब एक बात करती है दो खवातीन आगे ना बताना, वो जिसको बता रही होती है ना, और खवातीन स्पेशली हमारी खवातीन, आप सोशल जो मीडिया उस पर भी देख लें, बदनाम है इस चीज में, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन माओ ने मोहम्मद बिन कासिम जैसे बेटा बेटे पैदा करने थे, जिन्होंने इमाम हसन हुसैन जैसे बेटे जो है वो पैदा करने थे, उन माओ पे आजकल ये लगाए जाते हैं कि ये बात को आगे फैलाती है, राज नहीं रख पाती, यानी ये किरदार है खवातीन का, वो खवातीन जिनकी अजमत इफ़त हजूर अलैहिस्सलाम, जैसे बोहतान की बात हो रही थी, हजूर अलैहिस्सलाम की हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह मिन ज़ालिक बड़ी बात करने लगी हूं कि उन पर बोहतानबाजी हुई, सूरह नूर अल्लाह तबारक व तआला ने उतार के बताया कि जो औरत हज़रत आयशा सदीका जैसी होगी उसकी गवाही देने के लिए मैं खुद खुदा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये बात बड़ी अहम चीज है। हम पता क्या करते हैं, अगले को जज करते हैं और ये नहीं सोचते कि किसी पे बोहतान, और जो बंदी हज़रत आयशा सदीका के तौर पर जिस तरह उन्होंने किया, शिकवा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, हम अल्लाह पे तो छोड़ना ही नहीं ना चाहते, हम कहते हैं तुमने बात की है तुम्हारे, अब वो जो जिसकी बात पहुंची भी हो आगे उसका भी यही है, उसका कभी अल्लाह पे तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, कभी मामले अल्लाह पे छोड़ के देखो। क्या मेरे तो तजर्बे की बात है कि कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ के देखो, अल्लाह तबरक खुद ही आपकी राहें जो है ना वो खोल देते, और आपके हर चीज वजह हो जाती है कि फला वक्त में आपको अगर तकलीफ हुई थी तो मैंने बदला ले लिया, तो अल्लाह तबरक ले भी लेता है, क्योंकि जो खामोशी है जुबान का सिलसिला है ना, खामोशी, आप बोल के किसी को गाली दे के जो लेने की कोशिश करते हैं उससे कहीं बेहतर आपकी खामोशी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। क्या बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम नादे जी खुद भी बेर नहीं करते, बर्दाश्त नहीं, और अगर हमें पता चल जाए कि फलां बंदे ने मेरे खिलाफ बात कर ली तो फिर हम भी उनके खानदान तक पहुंच जाते हैं। किसी एक शख्स ने आप पर कोई बोहतानबाजी, जैसे आपने अभी सवाल किया कि राज आगे वो बात की ना, तो बात कर रहे थे आगे से, बोहतानबाजी कर रहे थे, तो वो इल्जाम कोई लगा रहे थे आप पर, आप मुस्कुरा रहे थे, आप आगे से खामोश रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उस महफिल में मौजूद थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आप सैयदना सिद्दीक अकबर आगे से जवाब नहीं देते थे, तो आगे से खामोश रहते, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते, फिर दूसरी बार कहा तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर नहीं, फिर खामोश रहे सैयदना सिद्दीक अकबर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको देख के फिर मुस्कुरा पड़ते, तीसरी मरतबा जब उसने सवाल किया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा सैयदना सिद्दीक अकबर जो है ना वो अब अपनी जात को डिफेंड करने के लिए ना, आपने अपनी जो है ना जुबान से मुबारक से कुछ अल्फाज कहे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जो है ना उनके चेहरे पे नागवारी गुजरी, और आप उठकर जो है ना महफिल बर्खास्त करके अपने घर तशरीफ ले आए। सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह इक्तिस में हाजिर हुए, कहा हुजूर आपको मैंने देखा कि आप सैयदना सिद्दीक अकबर जब खड़े थे, मैं मतलब खड़ा था, तो उस वक्त जो है आप मुस्कुरा रहे थे, आपने कहा कि उस वक्त आप जब जवाब नहीं दे रहे थे ना, तो जो फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नजूल किया हुआ था, वो फरिश्ते आपका जवाब दे रहे थे, क्या और जब वो रहमत के फरिश्ते थे, और जब आपने जवाब दिया तो वो रहमत के फरिश्ते भी चले गए, तो मैं भी उठ के आ गया। अब यहाँ पे इरम एक चीज हमने नोट करनी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो किसी को आगे से जवाब देता है उसकी उसके महफिल से उठे चले जाते हैं। क्या बात है नादिर जी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ हमारी प्यारी सी समिया मौजूद है, इनसे कलामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, उसके बाद फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की
बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताम्र कर दे आना मुकद्दर, रब मुझको बुलाएगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रमजान इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। काबे पे पड़ी जब क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं शोख़ रस्म मफलूज हुए, दिल शोके तमाशा भूल गया, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, क्या मांगा और क्या क्या भूल गया, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, दिल झूम सजाए, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को वेलकम बैक जी। गुफ्तगु का सिलसिला जारी है, मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान नादिया खान कादरी साहिबा मौजूद हैं और हमारी छोटी सी प्यारी सी मेहमान समिया भी मौजूद हैं, जो खूबसूरत सी आवाज़ में हमें कलाम भी सुना रही है। नाज़रीन, जैसे कि मैं कोरोना का स्टार्ट में जिक्र किया था, जब कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उनमें ज़ुकाम है और आपको कफ होती है, आपका गला थोड़ा ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर भी हो जाता है, लेकिन जब वेदर चेंज होता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जैसे ही आपके गले में थोड़ी खराश हो या गला खराब हो या फ्लू होना शुरू हो, तो आपने कर्शी का जो जुशांदा है उसका इस्तेमाल करना है, घरों में रखिए और दिन में 3 बार गर्म पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब रमजान है तो आप सहरी और अफतारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बात की जाए कर्शी जौहर जुशांदा की, तो मशहूर जो दुनिया का एक टाइम मैगजीन है, उन्होंने भी इनको दी बेस्ट एशिया करार दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अफतारी में भी कर सकते हैं, सहरी में भी कर सकते हैं और दिन में गर्म पानी में भी इसको डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी वापस आते हैं नादिया जी की तरफ। नादिया जी, हम जैसे बात कर रहे थे तोहमत पे, चुगली पे, राज ना रखना किसी की, क्योंकि आपने जिक्र किया कि वो एक अमानत है आपके पास, अगर आपको कोई बता देता है तो। आपने जिक्र किया था गुसल, खवातीन क्या होती है, जब कोई खातून फोत हो जाती है तो मैयत पड़ी होती है, तो हम
गुस्ल के लिए जाते, कुछ खवातीन भी साथ चली जाती हैं, तो गुस्ल के बाद बहुत सी खवातीन दूसरी खातून खवातीन जो वहाँ पे मौजूद नहीं होती उनसे जाके डिस्कस करती हैं उस मैयत के बारे में, उनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए इनके बारे में सिंपल बात है, हज़रत अली सलाम की हदीस मुबारक है कि जिसने मैयत का राज रखा, कोई चीज़ देखी भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके राजों को हशर के रोज़ लोगों से छुपाए रखेगा। ये बड़ी खूबसूरत, और जो यकीनन आया करेगा फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सामने उसको जलील और रुसवा करेगा। उस वक्त तो एक नहीं, हज़ार नहीं, करोड़ों की तादाद में, बल्कि उससे भी बढ़कर जो है वो लोग वहाँ मौजूद होंगे, बिल्कुल, जिनके सामने वो जलील और रुसवा होगा। बिल्कुल, तो जो गुस्ल देना है ये बहुत सवाब का काम है। उस वक्त इंसान दुनिया से जा चुका, रूह उसकी नहीं है, हाथ नहीं हिला सकता, पाँव नहीं हिला सकता, और वो जो कैफियत हैं वो बेबसी का आलम है, और ऐसी बेबसी के सांस लेते हुए तो हम सांस ले रहे होते हैं, आंखों से देख रहे होते हैं, उस वक्त तो देख भी नहीं सकता इंसान, कह नहीं सकता। आप किसी को अगर कोई जोर से आपको हाथ पकड़ ले तो आपने क्या कह लेना, मुर्दा जिस्म, ना रूह उसमें, ना कुछ भी। लेकिन मैयत का जो अदब है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस जो है वो, आप जनाजे का जो है वो बड़ा एहतराम किया करते थे, जो भले किसी यहूदी का क्यों हो। एक दफ़ा आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे और आप जो है वो किसी सवारी पर सवार थे, एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी से उतरकर खड़े होकर, किसी ने कहा कि ये तो यहूदी का है, अकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि किसी यहूदी का क्यों ना हो, है तो जनाजा ही है ना। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस वो रहमत लिल आलमीन है, तो इस चीज़ में जो एक मौजूद है ना रहमत, वो सिर्फ रहमत मुसलमानों के लिए नहीं है, वो रहमत तमाम जहानों के लिए है, रहमत लिल आलमीन जो है। आपने कहा कि राज नहीं रखती, इसमें कोई शक नहीं है। ख्वातीन जो है, एक तो पहली बात यह कि जब गुसल दिया जाए ना इरम, तो वो जो औरत है या जो भी मैयत है वो मर्द है, उसका जो एहतमाम पर्दे का ना उस पर बहुत फोकस किया जाए, ठीक है। और जो नहलाने वाली है, पहले जिस औरत का, पहले तो जो आता है ना, ये तो फर्ज नहीं है कि आप इतनी खवातीन वहाँ खड़ी होकर करें या इस तरह, सबसे पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सबसे अफजल जो गुसल है वो अपनी बेटियों में से, या अपना अगर मर्द है तो बेटे दें, क्योंकि बेटी और माँ जो है वो एक दूसरे के राज जानती है, और बेटी जाहिर है ये चीज़ कहने का जो एक मकसद है ना वो ये है, इसलिए कि बेटी जो होगी वो अपनी माँ की कोई गलत चीज़ या कुछ इस तरह का कुछ भी हो, जो मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को महफूज रखे इन मामला से, होगा तो वो आगे नहीं बताएगी। इस चीज़ से एक पहलू ये भी नज़र आता है कि क्यों ये फोकस करवाने की लोगों को कहा गया कि आप इस चीज़ पर फोकस रखें कि पहले खुद दें। अफजल जो गुसल है वो ये कि आप खुद अपने हाथों से अपने वालदैन को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, बहू को खुद दें, क्योंकि आप अपने प्यारे का राज तो कभी फाश नहीं करेंगे। हमेशा हमारी आदतों में भी है कि अपने अपनों के राज तो फाश नहीं करें लेकिन दूसरों के जरूर करते हैं हम। बिल्कुल, तो अगर नहीं कोई, जाहिर उस वक्त दुख की कैफियत भी होती है, घबराहट भी हो रही होती है, और बाज़ लोगों के दिल छोटे होते हैं, अपने प्यारे को इस तरह जाते देख नहीं देख पाते, तो जो गुसल देने वाली उसका इंतखाब कैसे करना है, उसके बारे में मालूमात ये हो कि वो औरत नमाजी हो, परहेजी हो, और वो औरत जो है वो लालची ना हो, किसी का राज फाश। आप जिस इलाका में रहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द के लोग जो है ना आपकी तबीयत से वाकिफ होते हैं, पता करें कि वो जिस इलाका में रहती है वो नमाजी है, परहेजी है, और वो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाली है। दूसरा ये कि क्या वो इस तरह की बातें तो नहीं करती कि लोगों में मजमा इकट्ठा होकर तो फलां नहीं, मैंने उसको नहलाया तो ये कर दिया, यानी इस तरह खवातीन की बात होती है ना कि वो कर देती हैं। इस चीज़ पे फोकस करें, फिर आप उसके साथ एक औरत खड़ी हो जाए जो पानी उनको दे, दूसरी जो है वो खड़ी हो जाए मदद ये करे। जाहिर है वो उस वक्त मुर्दा जान मट्टी की ढेरी होती है और उसको उठाना और हिलाना बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ एक औरत जो है ना वो खड़ी हो जाए। मेरा ख्याल है चार खवातीन काफ़ी होती है एक जो मैयत है उसको गुसल देने के लिए। उसके पर्दे का एहतमाम करें, उसके अगर कुछ ऐसे आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो काइंडली ये गुजार, बल्कि गुजारिश का ये खुद हदीस मुबारक के अल्फाज़ हैं, ज़ोलिस सातो इस्लाम ने फरमाया कि उसका राज रखें, उसका तो कोशिश करें कि उसका राज रखें, किसी को ये चीज़ ना बताएं, और गुसल इतना खूबसूरत दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसके सदके से, और जो कोई गुसल, ये जो चीज़ अभी लोग कहना शुरू कर देते हैं फलां पे इतने गुसल वाजिब हैं या फ़र्ज़ हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी वो सुनी सुनाई बातें हैं जो अपने जो असल जो मुझे नज़र आता है ना इरम, ये जो चीज़ें हम ऐसे चला देते हैं उनके पीछे होता तो यूं है कि वो लोगों को आगाही देना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि वो शऊर दें, या ये चाहते हैं कि वो नेक अमल में आगे बेश अपने अमाल में इजाफा करने के लिए आगे करें, लेकिन इसका इस्लाम के साथ कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इतने गुसल देंगे। आप देखें बाज़ औक़ात बंदा सारी जिंदगी किसी मैयत को जो है वो नहीं नहलाता, अब एक बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में चला गया तो फिर उसके फ़राइज कहाँ चले गए कि इतनों को गुसल दे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये हमारी जो समझ लें कि जो बूढ़ी या बुजुर्ग खवातीन होती है ना, वो ये बात उनकी तरफ से आती है कि अगले
को ये देना कहना मतलब दिल जो ही करना उसकी किस काम को करेगा तो वो ये अमल हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई भी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक नहीं। बस आप गुसल दे, हाँ अगर गुसल वाली नहीं है वो घर वाले नहीं नहला रहे तो कोई हमसाई ऐसी जो अच्छी है वो उठ के वजू करके तो उनको गुसल जो है बावजू होके ठीक हो गया, सही हो गया। और जैसे आपने जिक्र किया कि कोशिश कीजिए अगर किसी की मदर है तो उनकी बेटियां उन्हें गुसल दे दें, अगर किसी की बेटी है तो उनकी मदर ही गुसल दे दे ताकि फैमिली में ही वो रह जाए, राज भी रह जाए और वो पर्दे का भी खास ख्याल रख जाए, और वरना अदरवाइज जैसे नादिया जी ने ये भी जिक्र किया है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त, एक अजीब कैफियत होती है, आपको घबराहट भी हो रही होती है, तो फिर ऐसे कीजिए ऐसी खातून का इंतखाब कीजिए जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है ये कैसी है, ये राज रखने वाली है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो गुस्ल दे दें। तो जी समिया से हम नाद सुन लेते हैं पहले, फिर नादिया जी आपकी तरफ वापिस आएंगे। का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदाई है अब्दुल्ला से, मुबारक हो शाहे अर्ज़ो समा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौला सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबी बिका खैर الخلقی کلہم, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی, مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے, وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے, شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی, مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, आपने पढ़ा है ये कलाम नादिया जी, क्योंकि समिया हमारे पास बड़ी बच्ची बैठी हुई है तो मुझे बच्ची को देख के एक सवाल दिमाग में आया कि आज के दौर में हम अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे करें, किस तरह से अपनी बच्चियों को ग्रूम करें कि उन्हें इस्लाम की भी हर चीज़ पता हो, उन्हें दुनिया में रहने का तरीकाकार भी पता हो और हमें ये भी पता उनको ये भी पता हो कि हमारे इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। जैसा कि आजकल मैं समझती हूँ असर हाजर में हम नफसा नफसी के दौर में हमें अपना जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना है, तालीम हम लेते हैं फकत जॉब के लिए, तरबियत के लिए तो हम तालीम को ले ही नहीं रहे। तो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत आप नात पढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसमें इस्तकामत दे और आपकी ज़ुबान जो है उसको बरकत अता फरमाए। तो जो बात मैं करने लगी थी कि माओं का क्या किरदार है, जी माएँ वो हस्तियां हैं कि जब अभी औलाद आप बच्चों के पैदाइश से पहले ही उनकी तरबियत का जो मामला है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, पेट में माँ के पेट में जो अमाल वो माँ कर रही होती है उसका असर बच्चे की सेहत पे इरम पूरा पड़ रहा होता है।
हजूर गौसुल आजम आप हाफ़िज़े कुरान थे और किस पैदायशी तौर पर कैसे हुए, आपकी वालिदा कुरान मजीद फरकान हमीद की तिलावत किया करते थे, क्या बात है, ये आपकी पहली करामत तो ये थी ना, आपको काफी जो कुरान पाक के पारे थे वो याद थे। अब सबसे बड़ा जो बात है वो ये कि जब माँ उन दिनों में होती है तरबियत, मैंने कहा ना कि उसका पहलू ये शुरू हो जाता है तरबियत का कि बच्चे का माँ के पहले दिन में जब वो माँ के पेट में इब्तदाई दौर में होता है उसी वक्त से शुरू हो जाता है, माँ नमाज पढ़ती है तो वो तवज्जो चली जाती है उधर। आप देखें जब फिर बच्चा दुनिया में आ जाता है तो माँ उसको वुजू करके अगर दूध पिलाती है तो बच्चे में तहारत, एक अहम जो पहलू पर बात कर लेंगे, तहारत खुद ब खुद उसकी नेचर में आई। माँ के दूध की तासीर जो है वो बच्चे के, जाहिर है माँ का जो दूध है ब्लड की सूरत में पूरी बॉडी में सराइयत कर रहा होता है, और फिर इसके अलावा माँ जब जो जो अमल करती है, देखिए आप किसी की मैयत में रहते हैं ना तो उसकी आदात उसकी खसलतें आप पर बड़ा अहम जो है ना किरदार अदा करती हैं और बड़ा आप पर निशान छोड़ती हैं। आप किसी नमाजी के पास बैठते हैं आप मुसलसल देखेंगे वो नमाज पढ़ रहा है तो आप उसकी मैयत में रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, आप ना भी नमाजी हो ना उसके साथ रह के आपको आदत हो जाएगी। आप किसी सच्चे के पास बैठते हैं तो जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि ए ईमान वालों कुनू मा सादिकीन, के सच्चों के साथ जुड़ो, तो आप जब सच्चों के साथ जुड़ेंगे आपको आदत पड़ेगी सच बोलने की, हक कहने की, सच कहने की। वो पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, बच्चे की पहली दरसगाह तरबियत गाह माँ की गोद है जहां से उसने शुरू करना है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जिस स्टेज पर खड़ी हूँ, मेरी जो मामा है वो स्कूल टीचर थी जी, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, वफात पा गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्जात बुलंद करे। उन्होंने क्या किया कि वो अगर देखा जाए तो स्कूल टीचर्स का सिर्फ यही काम होता है ना बच्चों को तालीम देना तरबियत देना, इसके अलावा वो इरम क्या काम करती थी कि वो लोजा नारवल सिटी में वो जब जहाँ शिफ्ट हुई आज से 25 साल पहले हमारी शिफ्टिंग हुई अपने गांव से नारवल में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ते थे, शऊर नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि नमाज की रकत कितनी है, फलां नमाज की रकात कितनी है, या नमाज तस्बीह का क्या कॉन्सेप्ट है, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो शब्बेदारियां हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है। मेरी वालिदा चाहती तो एक स्टेटस मेंटेन था, कमा सकती थी, खा सकती थी, उन्हें क्या जरूरत, लेकिन बाज़ इंसानों के अंदर एक चीज मौजूद होती है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सिफत होती है उनमें, वो सिफत मेरी वालिदा में थी। वो क्या किया उन्होंने, खवातीन को इकट्ठा करती, यानी दस्तक दे दे के घर जा जाके उनको नमाज के लिए कहा करती थी और नमाज तस्बीह के लिए महाफिल के लिए उनको एक बताना कि ये करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाज कायम करो, इस तरह तस्बीह करो, शब्बेदारियां किया करो, रातों को उन्होंने घर अपने घर में तमाम करना शब्बेदारियां आनी, जैसे शब्बे कदर है, शब्बे बारात है, शुबानल मुअज्जम की शब है उसमें मतलब जगाना, और फिर बकायदा सहरी का तमाम करना और सुबह जो है उनको रोजा रखवाना, सिखा रही थी, ये सिखाया। आज मैं पूरे पाकिस्तान में जाती हूँ, मुख्तलिफ अहले सुन्नत व जमात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की इश्क़ की बातें, तो मैं समझती हूँ इसमें किसी का हाथ नहीं है, मेरी वालिदा की वो तरबियत मैंने जो बचपन में उन्हें देखा कि उन्होंने नमाज कैसे पढ़ना सिखाई हमें, किस तरह उन्होंने लोगों में शऊर देना सिखाया, किस तरह लोगों में जो है, वो चाहती तो मुझे इस प्रोफेशन में नहीं आने देती, वो चाहती तो मुझे भी स्कूल टीचर बना देती, लेकिन नहीं, उनकी मैं समझती हूँ आज मैं अगर दीन का कोई काम कर रही हूँ तो इसके पीछे सिर्फ मेरी वालिदा का हाथ है। बिल्कुल, कोई शख्स भी अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसमें उसकी माँ का बड़ा किरदार होता है, कोई अगर डॉक्टर बनता है तो उसमें भी माँ का किरदार है, कोई अगर इंजीनियर बनता है उसमें भी माँ का किरदार है, कोई अगर एक चीज और, अगर कोई गाली देता है उसमें भी माँ का किरदार है, अगर कोई चर्ब जुबानी करता है उस पर भी माँ का किरदार है। जब आप मैंने कह साफ कह दिया ना कि मैयत में रहने वाला जब बंदा किसी की मैयत में रहता है उसके साथ साथ संग संग रहता है तो वो बेटी स्पेशली वो तो बिल्कुल माँ की कॉपी होती है। अब किसी के बारे में अगर कहीं हम किसी का रिश्ता लेने जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग बात कहते हैं नहीं बेटी को नहीं माँ को देखो, माँ कैसी है। अगर माँ का किरदार अच्छा होगा तो बेटी का भी अच्छा होगा, माँ के अखलाक अच्छे हैं तो बेटी के अच्छे हैं, माँ की गुफ्तार अच्छी है तो बेटी की भी अच्छी होगी, इसी तरह माँ का किरदार है। अब आज की माओ के लिए मैसेज है कि खुदा रा हमें उन चीजों उन लोगों को आइडियल नहीं बनाना जो कि बिल्कुल जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है, हमने उन लोगों को आइडियल बनाना है जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी, अज़वाजे मुताहरात को आइडियल बनाए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा उन जैसी वालिदा जिन्होंने अपनी गोद में चक्की चला रही है, साथ में कुरान पाक पढ़ रही है, नमाजें अदा कर रही है, सारा दिन कपड़े भी धो रही है, आप जन्नत की औरतों की सरदार है, चाहती तो अपने बाबा जिस तरह आप कहते मुझे काम वाली रख दें,
लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हजरत फिजा आपके घर थी, आप काम किया करती थी, आप क्या करती थी, एक दिन वो काम करती थी, दूसरे दिन आप काम किया करती थी। क्या बात है, ये वो चीज है हमें सिला रहमी सिखानी है अपने बच्चों को। हम आज माएं क्या करती हैं कि काम वालियों से बद अखलाकी के साथ पेश आती हैं, मिसबिहेव करती हैं, बच्चे देखते हैं वो कॉपी करते हैं मदर, बिल्कुल ऐसे करते हैं ना कॉपी। इस दौर में माँ का जो किरदार है वो इस तरह होना चाहिए कि माँ एक ऐसी टीचर बन जाए कि जिसे ये पता है कि इम्तिहान मैंने भी देना है, मैंने अपना जो है वो क्या कहते हैं स्केल आगे बढ़ाना है, और जो बच्चा है उसने पेपर फर्स्ट पोजिशन लेनी है वो भी अल्लाह की बारगाह में। तो नादी इसका मतलब है कि कहा जाता है ना माँ के पाँव में जन्नत है, फिर जन्नत ऐसे तो नहीं मिल जाती। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ये तो कह देते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब इस जन्नत को माँ ने जन्नत कैसे बनाना है, वो माँ का अपने ये किरदार है, जन्नत कैसे बनना है। माँ तभी जन्नत तभी बनेगी इरम कि माँ अपने बच्चों को अगर नेक रास्ते पे चलाएगी। अब माँ गलत रास्ते पे चल जाए और कहे कि मैं जन्नत हूँ, माँ बेटे को गाली सिखा रही है, बुराई सिखा रही है, हलाल हराम की पहचान नहीं सिखा रही, बस बेटा कमा लाओ जहां से भी मिलता है, चोरी सिखा रही, बेटा चोरी करके लाता है बच्चा उसको अप्रिशिएट कर देती है, तो वो कहे कि मेरे कदमों तले जन्नत है, तो भी जन्नत वो कैसे हासिल करेगा। वो जन्नत तो तभी हासिल होगी ना, तभी आपके कदमों तले जन्नत आएगी जब आप एक बा किरदार मां बनेगी और बा किरदार बेटा जो है उसकी तरबियत करेंगी, तभी आपके कदमों तले भी जन्नत आएगी। ये बात कहना बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जन्नत इतनी आसान नहीं है लोगों कि हम इस चीज पे फोकस करें। कोई बात नहीं, वो रब जो है वो रहमत वाला है, वो गफूर और रहीम है। तो दूसरा मुकाम और दूसरा उसकी सिफत ये भी है कि वो कहार भी है और वो बहुत गुस्से वाला रब भी है। बिल्कुल, और बहुत सारी आपने कौमें जो देखी जब उसकी नहीं सुनती थी तो तबाही जो है ना वो सूरत में आई। अब जैसे हमारे ऊपर एक मुसल्लत हो गई है बीमारी कोरोना वायरस की सूरत में, ये आजमाइश कितनी बड़ी आजमाइश है, और बहुत से लोग इस आजमाइश को पाकर भी नहीं बदले, बहुत से लोग नहीं बदले, बहुत से लोगों के जो तरबियत है उनमें फर्क नहीं आया। आज ही सीखें, अपने बच्चों को देखें खामी क्या है। आज तो मैं समझती हूँ इरम, जो हमारे ऐप्स ऐसी आ गई हैं, कुछ मैं उनके नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, इसमें खुली बेहयाई, यकीन माने माए बेटों के साथ खड़ी होकर बेहयाई कर रही है, और हम हुकूमत वक्त जो है वो उस पर कोई भी फोकस नहीं कर रही कि ये हमारी आने वाली नस्लों में, अगर माँ अच्छी है तो आपकी आने वाली कई नस्लें जो है वो संवर जाती हैं। क्या बात है नादिया जी, कुछ ऐप्स का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में कुछ दिन पहले उनपे चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की गई और कहा गया कि इसको बंद किया जाए, लेकिन काफी हमारे यंगस्टर थे उन्होंने कहा कि एक फ्रीडम है, एक टैलेंट अपना प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म मिला है, तो क्यों आप लोग हमसे ये भी वापस नहीं। देखिए जो टैलेंट है ना वो अगर मौजूद है तो उसको जरूर पहुंचाए, लेकिन टैलेंट को बेहयाई का नाम ना दें, फहाशी का नाम ना दें, यानी का नाम। अब रोजा रखा हुआ है, रोजे की हालत में अगर देखा जाए तो टिकटॉक कहां पे जायज है, मैं उसका नाम ही ले लेती हूँ। अब टिकटॉक कहां से जायज है, रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, आंखों का भी रोजा है भाई, समातों का भी रोजा है, आपके बोलने का जैसे मैंने कहा खामोशी कम गई, ये सारा ये भी रोजा है। अगर आप हम ये समझते हैं कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास है तो कतई तौर पे ये बात अपने जहन में बिठा लें, ये कतई तौर पे सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, ये बात जहन में बिठा लें। रोजा आपके हर हर अजा का है, आंख का रोजा बेहयाई ना देखें, आप देखें रोजा रख के रोजे के मजाक उड़ाते हैं, इफ्तारी के मजाक उड़ाए जाते हैं, यानी दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना आप इसको जायज करार देते हैं, आप इसको टैलेंट कहते हैं, तो वो तो अफसोस की बात है, सख्त अफसोस की बात है। इफ्तारी का वक्त जो है वो रहमत का वक्त है, बरकत का वक्त है, जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर अपनी अनायात कर रहा होता है, और लोग उसको पकड़ते हैं सामने कैमरा रखते हैं और रख के तो उस पर मजाक शुरू कर देते हैं, मुंह में खजूर रखी हुई। मैंने एक वीडियो देखी जो बड़ी मुझे एक समझ ले मुझे बुरी भी लगी और तकलीफ भी हुई कि मुंह में पहले ही खजूर रख ली और अजान की आवाज उस शख्स ने लगाई हुई पीछे, और हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ, यानी वो जो एक खूबसूरत टाइम होता है जिसमें आप दुआ कर रहे हैं वो, हाँ वो करें, वो वीडियो अगर कोई बना के अपलोड करता है दुआ करके तो उसमें गलत नहीं है। ग्लास पकड़ाओ, यानी ये बताया जा रहा है कि हम रोजे से आवाज आ रहे, अरे रोजे से आवाज आ रही सिखाई जा रही है, ये अफसोस वाली बात है इरम कि रोजे से आवाजारी सिखाना ये कि बस अब इंतजार है कि फटाफट से, और बाद क्या अल्फाज यूज करें, आप क्या रोजा इफ्तार करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप मगरिब की अजान को जोहर के वक्त नहीं ले जा सकते, ये मजाक है,
ये मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं समझती हूँ इन चीजों पर मजाक ना उड़ाए, आपका दिल करता है और कुछ फन कर ले अपनी जात। हाँ, तो ये टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। किसी तरह गलत बयान, इसको दीन का मजाक कहा जा सकता है, इसको टैलेंट हरगिज नहीं कहा जा सकता। टैलेंट ये होता है कि आप में कोई ऐसे गट्स हो कि आप अपने अखलाक से दूसरों को अपनी तरफ मतवजो कर लें, आप हजूर अलैहिस्सलाम की अहदीस सुना रहे, आप नात खानी कर रहे हैं तो नात को प्रमोट कर लें, आपकी आवाज अच्छी है ठीक है आप अपनी आवाज को सुना सकते हैं। लेकिन अब आप कहें कि जो माए हैं और बहनें उनके दुपट्टे उतारे हुए सर से और पकड़ के उनको डांस करवा रहे हैं और उनके साथ जो एक ये लुक दे रहे हैं कि आप कपल हैं हालांकि आप बहन भाई हैं, तो ये सारी चीजें टैलेंट नहीं है, ये बेहयाई है बिल्कुल। ऐसे ही है, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले समिया की खूबसूरत सी आवाज में हम नाद भी सुनेंगे। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजरी के लिए। ओ तैबा को जाने वाले, तैबा को जाने वाले, तैबा को जाने वाले जाकर बड़े अदब से, तैबा को जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा है गम कहना शहे अरब से, मेरा भी किस्सा है गम कहना शहे अरब से, कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, एक रंजो गम का मारा दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा। हालात पर आलम से इस दम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है, फरियाद कर रहा है बारे रंजो गम का मारा दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा। हालात पुर आलम से इस दम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है, फरियाद कर रहा है बारे गुनाह अपना है दोष पर उठाए, कोई नहीं जो पूछने को आए, कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए, बुलाऊं मुसाफिर मंजिल को ढूंढता है, तारीकियों में बाहें कामिल को ढूंढता है, सीने में है अंधेरा दिल है सियाखाना, ये है मेरी कहानी सरकार को सुना शाह आलम। एक रंजो गम का मारा दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा।
वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरी बड़ी प्यारी मेहमान नाजिया खान काजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें डिफरेंट वेज में बता रही है कि इस्लाम क्या कहता है, आज के दौर में हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, माओं को अपनी बच्चियों की, स्पेशली बच्चियों की कैसी परवरिश करनी चाहिए, क्या जिम्मेदारियाँ हैं उनकी, इस बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हमें हमारी बड़ी प्यारी छोटी सी मिनाहिल ने हमें ज्वाइन किया है। मिनाहिल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? मिनाहिल रोज़े रखती हैं? यस। कौन सा रोज़ा है आज आपका? पूरे जा रहे हैं मेरे 13। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये तो मिनाहिल, गर्मी रोज तो नहीं लगती आपको, प्यास तो नहीं लगती? क्या बात है, जबरदस्त मिनाहिल। मैं तो बड़ा खुश हुई आपसे मिलके कि आपके पूरे रोजे भी जा रहे हैं और आप हमें कलाम पाक भी सुनाएंगी इंशाल्लाह। नादिया जी, देखिए ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं माशाल्लाह से। आपको याद है, आप भी जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाती होंगी, हम भी जब गए तो अक्सर लड़कियां जो होती थी, हम किसी की बुराई नहीं करें, वो रोजे नहीं रख पाती थी क्योंकि उनको लगता है, उनके मदर को लगता है कि उनका बीपी लो हो जाएगा और हाइड्रेशन हो जाएगी पानी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं। लेकिन आज ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक समझती हूँ मैं, आइडियल बेबीज हैं जो बिल्कुल, ये एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड अब घर से चलाते हैं इसको, शऊर है बच्चों में शुरू से। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, फोकस उस पर खवातीन कर लें कि आपने अपने बच्चे की तरबियत जो है वो पहले दिन से लेके 10 साल तक, अगर आप कामयाब जो है बनना चाहती हैं, अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहती हैं, दीन इस्लाम पर चलना देख, 10 साल तक अपने बच्चे में वो तमाम खसलतें और आदात और अतवार जो हैं, जो हजूर अलैहिस्सलाम के उसने हसना से हमें मिलती हैं, वो सिखा देना, समझ लें, अब आप जो है आपका आप कामयाब हो गई हैं, बच्चा जो है उसकी आदात जो है वो डेवेल्प हो गई। 10 साल के बाद जरा मुश्किल हो जाता है, वो नर्म हड्डी को जो है ना वो मोड़ना जरा आसान होता है, जब वो सख्त हो जाती है तो फिर उसको तोड़ने के मुतरादफ वाली बात आ जाती है कि आप उसको तोड़ेंगे तो फिर ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, सख्ती नहीं करें, बच्चों के साथ नरमी के साथ पेश आए। हजूर अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ ही नरमी के साथ पेश आया करते थे कि गली में से गुजरता कोई बच्चा गुजरते तो उसको आप बोसा लिया करते थे, उसमें जात की कोई बात की नहीं थी, उसमें ये नहीं था कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है, बस आप एक मासूम बच्चा देखते और उसको जो है वो बोसा करते, उसके साथ प्यार करते, अखलाक के साथ पेश आते। ये एक नमूना उन्होंने पेश किया। अपनी बच्चियों की जो तरबियत है, आज जो एक तरबियत हमारे जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो एज अ वाइफ हमारी बेटियां जो वो कामयाब नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही ना, हम कह रहे हैं हमारी जहनी हमांगी नहीं हस्बैंड से हो रही, बिल्कुल, और बहुत सारे जो हालात है घर जो है, आज तलाक आपकी शरह जैसे बाहर की कंट्रियों में हमारे मुल्क में इस्लामी रियासत में भी बहुत ज्यादा हो गई। इसके पीछे एक रीजन है कि जो माएं हैं वो अपनी बच्चियों की कोताहियों पे जो है ना पर्दा डाल देती हैं और अगले को कसूरवार ठहरा देती हैं। इसमें औरत को चूंकि कहा ही गया वफा का, सबर का पैकर और कुर्बानियों का पैकर, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी खवातीन जिन्होंने कुर्बानियां दी, अपने बेटे तक लुटाए दीन इस्लाम के लिए, हम अपनी ख्वाहिशात पर क्या अपनी जात को नहीं लुटा सकते? आसान काम है, आसान। वहां पे दीन इस्लाम को बचाने के लिए खून की जरूरत है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें अपनी ख्वाहिश को ही खत्म करना है ना, अपने जज्बात को खत्म करना है। हमारे छोटे छोटे जो मामलात हैं वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं कि हमने कहीं तैयार होके जाना हो, मतलब सपोज हम अपनी माँ के घर जाना चाहती हैं, तो पहले माएं होती थी वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करती थी कि बेटा इस घर से अब तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता था। जब ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा ना जनाजा, शुरू दिन से हम अपनी बेटी को ये कहेंगे। फिर एक चीज बुराई के तौर पे हमारे सामने जो आती है ना, वो पता क्या आती है कि बेटा तूने अगले घर जाना, अगले बेगाने, लफ्ज क्या यूज करेंगे हम अपनी तरबियत में, अगले बेकाने। इसमें कोई शक नहीं है, जो अपनी रियल वालिदा है वो असल वालिदा ही होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी ख्वातीन होती हैं जो आने वाली बेटी का बड़ी खूबसूरती के साथ वेलकम भी करती हैं और पूरा घर उनको सौंप देती हैं। देखें हर औरत जब एक पिछले 20-22 साल से या 25 साल से वो अपने बेटों के ऊपर हुकूमत भी कर रही है, अपने बेटे को पाल रही है, मेहनत की है भाई, उसने मेहनत की है और बेटा बरसरे रोजगार हुआ है, अब माँ की ख्वाहिश है उसका सेहरा जो है ना वो सजाऊं, वो जो आने वाली है उसकी भी कुछ ख्वाहिश आते हैं और जो बैठी हुई है उसकी भी ख्वाहिश आती है। इसमें एक किरदार मर्द का भी होता है, जो मर्द वसी, हाँ बिल्कुल, जो मर्द वसी जो रखता है ना अपने अंदाज को, यानी दोनों साइड को बैलेंस रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर औरत जो आने वाली है वो ये समझ ले कि ये मेरा घर है और ये मेरे अपने रिश्ते हैं, जो पीछे छोड़ आई हूँ अब वो बेगाने हो गए, वो सिर्फ मेरे लिए रिश्तेदारी के तौर पे हैं, ये मेरा असल घर है, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। माँ का हक यहाँ पे ये है कि अपनी बेटी को बार बार ये बात जो है वो रियलाइज करवाए इसको कि बेटा ये तेरा घर है, वो तेरी माँ है, अगर वो तुझे डांटती है तो कोई बात नहीं, वो तेरे अच्छे के लिए तुझे डांट रही है, लेकिन हम क्या करते हैं पार्टीबाजी जो है ना वो बना लेती है। बिल्कुल, हाय उस औरत ने मेरी बेटी को ये कहा,
मतलब वही बात अगर माँ कह ले तो उसपे कोई हर्ज नहीं है, कोई हम कदकन नहीं लगाते, कोई उसपे हम ब्लेम नहीं करते, कोई बात नहीं, माँ ने कहा तो वो भी तो माँ है। एक चीज अगर खवातीन ये फोकस कर लेना कि वो हमारे शोहर की जन्नत है, क्या बात है, शोहर की जन्नत समझ ले और जन्नत समझ के उसका अदब और एहतराम शुरू कर देना कि इसके बदले से मेरे शोहर ने जन्नत में जाना है। बिल्कुल, तो वो जाहिर है जब शोहर जन्नत में जाएगा तो यकीनन बीवी को भी साथ ही लेके जाएगा। जितनी भी गुस्से वाली हो या जुल्म करने वाली हो, जब आप उनसे प्यार मोहब्बत से रहेंगी कहीं ना कहीं तो उनके दिल में आ ही जाता है, कभी जवाब ही नहीं देती। बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग एक तजर्बे के तौर पर कहते हैं कि 5 साल अगर औरत खामोशी इख्तियार कर ले तो आगे सारी जिंदगी उसी की है, लेकिन 5 साल क्या, हम तो 5 घंटे जो है वो 5 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिन तो ज्यादा है, 5 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जब शादी की, एक तो हमारे जो मुल्क में शादी की रस्म रवाज होते हैं उनमें बड़ा सारा जो अखराजात है वो बहुत ज्यादा हम करते हैं, उसमें हमारे झगड़े जो है वो कपड़ों से ही शुरू हो जाते हैं जी। मेरी सास ने, सास की ख्वाहिश होती है कि मैं रेड कलर का सूट पहनूं, बहू की ख्वाहिश होती है वो ब्लू पहने, यानी कलर जो है उनके कॉम्बिनेशन में हमारे जो है ना वो गुफ्तगू जो है ना वो इतराजात शुरू हो जाते हैं इस टॉपिक पे, और वो हम करना शुरू कर देते हैं। वो बहू कहती है मैं मीठे में खीर बनाऊंगी और सास कहती है वो जो गाजर का हलवा बना लो यहीं से। तो अगर देखा जाए कि वो बड़ी बुजुर्ग अगर चाह रही है कि आप गाजर का हलवा, बड़े बुजुर्गों का एहतराम आपको जिंदगी में वहां लेके जाता है जहां आपकी सोच नहीं। औरत, अगर औरत जो लड़की है वो ये चाहती है कि वो कामयाब हो तो उसको अपनी सास का अदब करना ही पड़ेगा, इसलिए कि जो जिंदगी के तजर्बात और जो जिंदगी के बहारे उन्होंने गम और खुशी में काटी है वो हमारे तजर्बात में नहीं है। बिल्कुल, उनके चेहरे की एक एक झुर्री आपको बताएगी कि इतने साल उन्होंने क्या दुख पाए हैं और क्या गम और क्या खुशियां देखी है, और इस बना पे जो वो समझ रखती है, जो वो समझ बूझ रखती है, हमारे पास वो अकल शऊर तब आता है जब हम उस उम्र में जाते हैं। बिल्कुल, उससे पहले हम कहें कि जी अब हालात नए, कभी भी औरत हो लड़की हो उसके लिए हालात नए नहीं होते। बिल्कुल, आज से 15 सदियां पहले चले जाएं तो औरत का वही मुकाम था, आज भी औरत का वही मुकाम है। औरत अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपने जो अपना मुकाम है उसको बुलंद कर सकती है, और अपनी गलत बातों से, अपने किरदार को, अपने जो गुफ्तगु है बुरी करके या अपनी मामलात गलत करके, लड़ाई झगड़ा करके या किसी के साथ बुरा सलूक करके उसको गिरा भी सकती है। बिल्कुल, और नादे जी बड़ा घर में सुकून भी हो जाता है ना जब मर्द बाहर से आता है काम से और वो देखता है कि मेरी माँ और मेरी बीवी में बड़ा सलूक है, वो एक अलग सी खुशी होती है आपके घर में ना। तो मर्द हजरात को भी बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस उनको भी रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि हमारी खवातीन का एक तरबियत में आना चाहिए, बीवी बेटी को ये सिखाना चाहिए बेटा ये शौहर है, इसका एहतराम। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान अकदस है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम से सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक ने ये कहा कि बकरियों ने आपको देखकर सजदा किया ना, बकरियों की मोहब्बत ही जानवरों ने सजदा किया, बाग में आप तशरीफ लेके जा रहे थे तो बकरियों ने आपको देखा और आपको सजदा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब सजदा किया तो पास उनके सहाबा इकराम थे, सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हक ज्यादा नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, सजदे की इजाजत किसी भी इंसान को किसी इंसान को नहीं है, और अगर होती औरत को उसके शोहर की होती। क्या बात, इसे मुबारका मुकम्मल आपने की, क्या बात, अगर इजाजत होती, इजाजत तो है नहीं, मुकाम और मर्तबा ये है कि अगर जाना चाहें जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तरबियत हमें करनी है कि बेटा देखो अगर सजदा होता तो खुदा के बाद शोहर को होता। अब शोहर को सजदे में जो एक चीज मैं समझती हूँ ना इरम, वो पता क्यों कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाने का इंतजाम कर रहा है, पीने का इंतजाम कर रहा है, घर का इंतजाम कर रहा है, हमारे मामलात सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द है, उसके बाद नायब उसका शोहर है दुनिया में। बीवी अपने आप देखें, बाप करता है वो औलाद के लिए और दूसरा शोहर करता है, ऐसे ही बाकी कोई रिश्ता आपकी उस तरह जिम्मेदारी बाप और शोहर के अलावा, ये वो दो रिश्ते हैं जो लेवल पे आपके साथ बराबर पे आपकी जिंदगी की हर खुशी हर गमी में आपके साथ चलते हैं। शोहर आपको खाना ला के देता है, आपके बच्चों को खाना दे रहा है, बच्चे तो यकीन है उसके भी है, लेकिन औरत जो कि ज्यादा अटैच होती है, इसलिए कहती है मेरे बच्चे ज्यादा, इस अल्फाज ज्यादा यूज करती है, बच्चों को खाना दे रहा है, रिहाइश दे रहा है आपको, और आप समझ लें कि लाखों में खर्च करके अपनी बीवी के ऊपर वो अपने सुकून के लिए बीवी को ब्याह खिलाता है, अगर वो बाय से राहत बन जाए तो वो कितना खूबसूरत लम्हा होगा, उस औरत के लिए भी जन्नत दुनिया बन गई और आखिरत में भी जन्नत मिल गई।
हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे, मेके जाने पे अपने शोहर को इतना आवाजार कर देते हैं। जब हम अपने शोहर को परेशान करते हैं तो वो जो जन्नत की हूरें हैं ना, वो हम पर जो है ना वो कहते हैं कि लानत हो तुझ पर, ये तो बहुत जल्द मेरे करीब आने वाला है, मेरे पास आने वाला है। तो इसको तंग करती है दुनिया में, परेशान करती है और लानत करती है। आप खुद सोचें कि वो जन्नत की हूरें, तो क्यों ना उन हूरों में हम अपना नाम क्यों ना लिखवा लें। क्या बात कि वो हूरें हम पर जो बुरा भला हमें कहें कि तुझे बुराई लगे या तू बुरी बुरा हो तेरे साथ, कि तू इसको परेशान कर रहा है, तुझे इलम ही नहीं बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। तो मैं समझती हूँ जो मर्द बीवी के हाथों बड़े दुखी होते हैं ना, वो अल्लाह के वली होते हैं। मैं जो समझती हूँ कि, और दूसरी बात ये कि शोहर को भी म्याना रवि अख्तियार करनी होगी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वालिदा और माँ और बेटे, अगर मैं एक बात और करूँ कि तरबियत में मैंने बेटियों पे तो फोकस कर लिया, जरूरत इस समर की है कि जब बेटा शोहर बनता है तो उसको भी कहा जाए कि जो बेटा जो आने वाली है उसके तमाम जज्बात, तमाम ख्वाहिशात और उसकी सारी दुनिया तुम्हारे तक है, महदूद है तुम्हारे, जो तुम दोगे वो खाएगी, जो तुम पहनाओगे वो पहनेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, औरत जात मोहब्बत की भूखी होती है, इज्जत की भूखी होती है, ये दो चीजें, जो शोहर बीवी को इज्जत देता है और जो मोहब्बत देता है, मैं समझती हूँ वो दुनिया का कामयाब तरीन मर्द है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ उसको बड़ा अजर है। जो शोहर ये समझता है कि मैं बीवी को दबाने के लिए लेके आया हूँ, तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नहीं कहा। हजूर अलैहिस्सलाम की जो बात चल गई, अब शोहर की तरफ आ गई, तो हजूर अलैहिस्सलाम इतने अच्छे शोहर थे कि हजरत मैमूना जो है वो एक दफा हलवा बनाकर लाई आपकी जोजा हजरत आयशा सदीका के घर, तो हजरत आयशा सदीका के खाने को दिल नहीं था हलवा उस वक्त, तो हजरत मैमूना ने जो है ना, हजरत आयशा ने खा लिया अपना हलवा माजर के साथ, हजरत मैमूना का दिल नहीं था खाने को, तो उन्होंने कहा हजरत आयशा सदीका ने कि अगर आपने ना खाया हलवा तो मैंने आपके चेहरे पे जो है ना वो हलवा लगा देना। यानी आपको बताने लगी हूँ कि जिंदगी का सुकून था, खुशियां बढ़ रही थी, वहां पे भी 11 अजवाज थी, तो अगर हम माजल्ला सुमा माजल्ला मिनजारिक हमारे जैसे लोग होते तो कपड़े तक उतार लेते एक दूसरे के, फाड़ देते कि भाई हलवा तुम कैसे बना के ले आई हो, मेरे घर में कैसे आ गई हो, दो शादियों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उस पर बात कर रहे हैं। तो हजरत मैमूना जब हलवा लेके आई, आपने जो है वो नहीं खाया, आपका दिल नहीं था, हजूर अलैहिस्सलाम जो है आप ने कहा ठीक है मैं हलवा जो है ना आपके मुंह पे लगा दूंगी, आपने पकड़ के हलवा जो है ना वो हजरत मैमूना के चेहरा पे लगा दिया और मुस्कुरा रही थी, आप हंस रही थी, आप उम्र में बड़ी थी, हजरत मैमूना हजरत आयशा सदीका से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सदीका से मोहब्बत करते थे। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए कुर्बान जाऊं, जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए तो उन्होंने देखा कि आप हलवा लगा रही है, तो आपने हजरत आयशा सदीका के बाजू पकड़ लिए और यूं बाजू पकड़ के पीछे कर लिए, कहा मैमूना बदला नहीं लोगे। क्या बात, ये माहौल बताया उन्होंने, ये एक खुशी का माहौल, घर का एक माहौल था जो वो बता रहे हैं। आयशा हजरत आयशा सदीका के बाजू पकड़े बड़े नाजुक तरीके से मोहब्बत के साथ, और हजरत मैमूना ने वही हलवा जो आपने लगाया उसी तरह उस बाउल से लेके आपके चेहरे पे लगाया। क्या बात, ये एक एनवायरमेंट है, किस तरह माहौल, घर का हेल्दी माहौल, सेहतमंद माहौल बता रहे हैं वो, कि इस तरह भी है। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस जो है वो खुशियां भी बांट रही हैं। क्या बात है, जहाँ पे उन्होंने अपनी अज़वाज की तरबियत की, उनको बताया दीन के बारे में और सब कुछ सिखाया, उसके साथ साथ उन्हें वो हम लोगों को वो भी पहलू बता दिया कि जिस पहलू से घर में खुशियां आ सकती है। आपने कहा कि मतलब बैलेंस कर दिया, आपने उनको भी बैलेंस कर दिया और वो भी खुश हो गई और वो भी खुश हो गई। इस तरह का ये एक माहौल है जिसको मर्द ही लेकर आगे चल सकता है, सिर्फ बेटियों की तरबियत पर फोकस नहीं करना, बेटे की तरबियत को भी फोकस करना है। हमने बेटों को ये समझ देते हैं कि जो बेटे हैं बस ही वो मर्द हैं, तो अब मर्द होने का नाजायज फायदा उठाए, ऐसा हरगिज नहीं है। इस्लाम ने दीन को बैलेंस रखा है, बराबर के हुकूक दिए औरत को भी मर्द को भी, इखलाकियात हो या किरदार हो घर में चलाने का, ये सारा कुछ मर्द को इसलिए थोड़ी सी अहमियत दे दी है कि मर्द जो है वो बाहर की जलालत बहुत सहता है, कभी दफातर से अपने बड़े जो है उनसे डांट डपट भी कर रहा होता है, इसकी के लिए बाहर निकलता है, तो इसलिए। और दूसरा एक चीज जो मैं आपको बताऊं इरम, वो इसलिए भी है कि औरत का मकल है, औरत मामला फहम नहीं होती, तो जो मर्द है वो मामला फहम होता है, वो सारे मामला को देख के घर को चला सकता है। औरत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, रिश्तेदारों की खिदमत कर सकती है, मेहमान नवाजी कर सकती है, खाना बना सकती है, चला सकती है, अखराजात कितने हो उनको कितना हिसाब लगा, लेकिन जो चीजें मर्द को नजर आती है वो औरत को वो जो है ना वो शोर नहीं है। जी बिल्कुल, मिनाहिल हमारे पास मौजूद है, हमारी छोटी सी मेहमान, तो मिनाहिल से कलाम सुनते हैं। मिनाहिल क्या सुना रही है आप हमें, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब।
सरापा फाक्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फाक्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिरसो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों असिया की दल दल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे की आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा इरादे शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल बन के सरापा फाक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जबू हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। ये तेरा मेहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है एक मोहब्बत अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका जुबागर के नदामत दिल की नाकस तर्जुमानी पर। खुदाया रहम मेरी इस जबाने बेजबानी पर, ये आंखें खुश्क है या रब इन्हें रोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फाक्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। सरापा फाक्र हूँ। और शुक्रिया मिनाहिल आपका। नादिया जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे आप दुआ भी करवाइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في وبائي لا إله إلا أنت يا إله العالمين تیرے گناہگار بندے تیرا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں جب نہیں ملتی سکون کی دولت تیرے بندے گناہگار بندے تیری محفل میں آ کے تیرے محبوب کا کبھی ذکر کرتے ہیں تیرے محبوب کی کبھی باتیں سناتے ہیں یا إله العالمين جو ذکر کرتے ہیں سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما مولا اس چینل پہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اسلام کی باتیں ہوتے ہیں اسے ترقی عطا فرما دے یا الہ العالمین میری بہن ارم ایک چھوٹی سی کاوش کر رہی ہے اسے بھی قبول فرما لے اس کے علاوہ مولا امت مسلمہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے مولا دنیا اسلام دنیا انسانیت تمام جتنی بھی ایک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ ہے کرونا وائرس یا الہ العالمین اس بیماری کو دور کر دے یا الہ العالمین کہیں دور لے جا اس بیماری کو جو مولا اس بیماری سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور جو مولا بیمار ہے انہیں شفا کاملا اسے حتی اجل عطا فرما یا الہ العالمین گناہگار بندے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی برائی ہر قسم کی کرتے ہیں پر ہیں تیرے محبوب کے امتی مولا تجھے اس کے ودعا مکھڑے کا واسطہ دیتے ہیں ہم سے تمام آفات کو اٹھا لے تمام مصیبتوں کو دور کر دے تمام مصائب و علام کو دور کر دے اور تجھے واسطہ کربلا کے ریک زار کا مولا جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی اس دین اسلام کا کی خاطر اس دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا پاکستان کو حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنا مولا ہمیشہ شیطان کی شر سے محفوظ فرما مولا ہمارے روزے جو ہم رکھ رہے ہیں مولا انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما دے اس ماہ مبارک میں ہر ایک کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہر ایک کو جو جنہیں رزق میں تنگ دستی ہے مولا ان کی کشادگی پیدا کر دے آمین جن کے گھر نہیں بے گھروں کو گھر عطا فرما دے جن کے کاروبار نہیں ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما دے کاروبار عطا فرما دے مولا ہر طرح کا نظام دھرم برم ہوا ہے تیری دنیا کا دیکھ اپنی امت کا حال مولا تیری امت تیرے محبوب کی امت تیرے محبوب کی امت بکھری پڑی ہے مولا گھروں میں قید ہے محصور ہے تجھے واسطہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا دینے لگے ہیں مولا جس طرح انہیں آزاد کروایا ان کے صدقے سے مولا ہمیں بھی آزادی عطا فرما دے مولا وہی رونق مساجد کی وہی گھر آباد کر دے اپنے مولا خانہ کعبہ کا در مولا ہم پر بند ہے مولا اس در کو کھول دے گنبد خضرا کا در ہم پر بند ہے اس در کو کھول دے مولا اسی طرح لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف نشینی جیسی خوبصورت عبادت کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حرمین شریفین میں آ جاتے تھے مولا اور تیرے محبوب کے در میں آ جاتے تھے مولا اسی طرح وہ رونقیں بحال کر دے ہم رمضان المبارک مولا جو جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں مدینہ پاک میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے خانہ کعبہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں مولا آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرما دے اس شہر مکہ اس شہر مدینہ کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے مولا پابندیاں مولا ان کو آزادیوں میں بدل دے مولا اس بیماری کو تجھ سے بار بار تجھے واسطہ تیرے جاہو جلال کا دیتے ہیں تیری رحمت کا دیتے ہیں تیری رحمانیت کا دیتے ہیں ہم تیرے عبد ہیں مولا گناہگار عبد ہیں تجھ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہم منہ موڑے ہوئے لوگ ہیں پر مولا اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب کو اس پر مستقل مزاجی عطا فرما دے یا الہ العالمین ہر قسم کی برائی اور بیماری اور ہر طرح کی پریشانی سے دور فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و صحت عاجل عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے مولا جو بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھ نہیں ہیں جن کو مولا انہیں سکھ چین عطا فرما دے جو بیٹے مولا جن کے لیے نوکریوں کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے مولا نیک اور صالحہ جو اولاد ہے اسے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے مولا ہم گناہ گار ہیں ہمیں گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں نیک رہنما عطا فرما دے مولا اس ملک کو ترقی عطا فرما دے اس ملک کو ترقی عطا فرما دے کشمیر عراق افغانستان برما میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ سختیاں ہیں مولا وہ سختیاں دور فرما دے جو تجھ جیسے خالق کے مالک سے نہیں مانگ سکے کسی کے سامنے اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکے تو وہ جو بھی ہے بات ہمارے دل کے راز جاننے والے رب ہے ہمارے شہرک کے قریب رہنے والے رب ہماری وہ دعائیں جو لوگوں کے سامنے ہم تجھ سے مانگ نہیں سکتے ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے وہ نیک خواہشات کو قبول و منظور فرما لے اللہ رب العزت ہمارا حال حشر کے روز نیک و کاروں میں ہو آمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت صحبت نصیب فرمانا قبر کے عذاب دوزخ کے عذاب سے بچانا اپنے غصے سے مولا ہمیں بچا کے رکھنا مولا ہمیں صرف اپنی رحمان
जो तेरी एक सिफत है मौला, उस सिफत से हमें जो है वही हमारा सामना करवाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर और तमाम दुनिया इस्लाम और दुनिया इंसानियत के हाल पर रहम फरमाए और हम सबको अपने रहमत के साए में रखे। वो सल्लल्लाहु तआला अला नूरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम।